खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां संजय गांधी अस्पताल में आज एक बार फिर लापरवाही के चलते एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग पर स्थित आईसीयू वार्ड की लाइट करीब 4 घंटे बंद रही, जिसके चलते एक महिला मरीज की मौत हो गई, जबकि करीब 20 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों को नकारते हुए लाइट ट्रिप होने की बात कह रहा है। दरअसल सीधी जिले के रहने वाले स्तुति मिश्रा ने अपनी पत्नी को सांस लेने की तकलीफ होने के चलते गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहाँ पहले तो चिकित्सकों ने आईसीयू में भर्ती किया, बाद में दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया और हालत बिगड़ते देख फिर आईसीयू में भर्ती किया, पर आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि मरीज को 15 नवंबर को भर्ती कराया था, तब से इलाज के नाम पर चिकित्सकों ने सिर्फ खाना पूर्ति की है। वहीं परिजनों का कहना है कि पूरा अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, तथा बीती रात 12 बजे से 4 बजे तक आईसीयू में लाइट भी नहीं थी, इस दौरान कोई बैकअप भी नहीं था। चिकित्सक सीपीआर कर मरीजों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी इसी बीच ऑक्सीजन ना मिलने से चल बसी। अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि लाइट ट्रिप होने की घटना हुई थी, जो करीब 2 मिनट की ही थी, मगर फिर भी एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि संजय गांधी की व्यवस्थाओं पर आए दिन लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। अभी हाल ही में मैहर विधायक के परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। अस्पताल में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पहले दिन से वो दिन रात बोल रही थी कि यार ये बहुत सीरियस है, ये नहीं बचेगा, आप रिफर कर दो। सर आप मुझे ये बताइए, क्या हर जगह का डॉक्टर अलग अलग पढ़ाई कर रहा है, अलग अलग ट्रेनिंग ले रहा है, सब नीट का एग्ज़ाम देते हैं ना, ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पहुँचते हैं ना, फिर क्या अलग अलग क्या ये रिफर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये रिफर क्या खेलते हैं, इनसे एक इलाज नहीं होता है, रात भर ये लोग बस ऐसे आ रहे हैं। अरे हर जगह एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठे, इतने साल से, कितने साल हो गए इस हॉस्पिटल को, कितने साल हो गए, कितनी पुरानी है, क्या हो गया सर को। 15 तारीख से यहाँ लेके हूँ उसका, संजय गांधी हॉस्पिटल में सर आईसीयू वार्ड में उसको तुरंत एडमिट किया गया है सर, बट कोई भी इलाज इन्होंने तुरंत नहीं किया है। इन्होंने एक इलाज सर ये 8 घंटे में कराते हैं, आज एक इलाज कराए सर आईसीयू वार्ड में, एटलीस्ट मैं कहती हूँ नॉर्मल वार्ड में नहीं, जो आईसीयू में पेशेंट है उसका तुरंत तुरंत इलाज होना चाहिए, रिपोर्ट्स आनी चाहिए, तब पता चले ना कि सर इतने में तो वो दम तोड़ देगा। सर यहाँ हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मेरे सामने लाइट गई है, हम रात दिन सेवा कर रहे हैं सर, पेशेंट जब सर मरने की हालत में होते हैं तब सिर्फ ये सीपीआर देने दौड़ते हैं, रात को सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स ही होते हैं अंदर, सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स, कोई मेन डॉक्टर नहीं होता है, ट्रेनी नर्सेस उनको जब ईसीजी करने को डॉक्टर बोलता है ना तो कहते हैं कि अरे सर ये कहाँ चिपकाने से चिपकाते नहीं बनता। आज सर रात भर वो तड़पती रही, रात भर मैंने इनसे कहा, मेरी मदर थी सर, रात भर वो तड़पती रही, उसको इनको मैंने कहा आप चलो देख लो, मैं सुबह से हर डॉक्टर के पास, मेरे पास जिसका नंबर था मैं कॉल कर रही हूँ, जो जो देखने आते हैं कोई नहीं आया, ये रात भर सोते ही, ये सो के इन्होंने सोने के लिए डिग्री ली है, कहते हैं रिफर रिफर का खेल खेलते, क्या ये डॉक्टर अलग डिग्री लिया है या फिर बाहर रहने वाला अलग लिया है, सीधे से कहते यहाँ रिफर किया। मैंने अपनी पत्नी को सांस लेने में तकलीफ की वजह से संजय गांधी चिकित्सालय में एडमिट कराया, तो ये क्या करते हैं, निग्लिजेंसी इनकी हॉस्पिटल प्रबंधन की, देखिए एक बार आईसीयू में किया फिर तुरंत उसको वहाँ किया, इतने में उनकी क्या हुई, सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई, तो अनुराग चौरसिया ने किया तब फिर से इन्होंने आईसीयू में किया। पर ये तो सब छोड़ दीजिए, इनका आप पत्रकार हो, क्या आईसीयू की लाइट कभी जाती है क्या? कल रात में 22 तारीख की 12 बजे की रात से लेके 23 तारीख की 4 बजे सुबह तक लाइट नहीं रही, जिससे ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हमारे पत्नी की मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल प्रबंधन की कुप्रबंधन नीति के चलते, सही प्रबंधन के न चलते मृत्यु हुई है। मेरी मध्य प्रदेश शासन से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से मेरा निवेदन है
कि ऐसे निग्लिजेंसी करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इनके कुप्रबंधन के चलते इनको क्या करना है, जूनियर डॉक्टरों को बैठा देना, पूरी रात वो रहते हैं, सिस्टर्स हैं इनकी सुनती नहीं है, बॉय वार्ड सुनते नहीं, और आपका मरीज तड़प के मर जाता है, मेरी वाइफ इसी कुप्रबंधन की शिकार हुई। नहीं, कुप्रबंधन की शिकार हुई, इस कुप्रबंधन के चलते उनकी मृत्यु हुई है। कितने मरीज वहां रहे होंगे वेंटिलेटर में? आप वहां जाके अभी पूछो, कम से कम 22 मरीज थे। उन 22 मरीजों को कैसे उन्होंने सफर किया है? सरासर झूठा आरोप है। जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उस मरीज की मृत्यु आज सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई है। और ये लाइट के ट्रिप होने की एक छोटी घटना, जो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रिप हुई थी लाइट, वो 5 बजे हुई थी, और 5:02 के बाद उस लाइट को सही कर लिया गया था। तो 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वेंटिलेटर के वजह से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, ट्रिप होने की वजह से। ये बहुत बेसिक सी बात है जिसको किसी को भी समझ में आती है। ये व्यथित होकर दुखी हो जाते हैं परिजन, तो दुखी होकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। सारे में वेंटिलेटर बैकअप ना होता तो उसी समय घटनाएं हो जाती। आज अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे ये आपके किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके ये पूछा तो मैंने ये खबर ली है। तो रात में 2 बजे के आसपास एक मृत्यु हुई है किसी की जो गंभीर थे, और अभी सुबह 8:30 बजे उस मरीज़ की मृत्यु हुई है जिनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। तो सारे के सारे मरीज वेंटिलेटर पर, कम से कम 10 से 15 मरीज वेंटिलेटर पर है। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.